हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है देखिए 26 जून और यहाँ पे 25 और 26 जून का हम करंट अफेयर देखेंगे। हालांकि कल संडे था तो संडे का कोई खास न्यूज़ मिल नहीं पाता है क्योंकि सरकारी जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं बंद होते हैं। फिर भी उसी में से जो भी होता है हम सिलेक्शन करते हैं, कुछ घटनाएँ वगैरह मिल जाती है। तो चलिए सीधे चले टॉपिक की तरफ। आज का देखिए टॉपिक ये है, आप देख लीजिए, टोटल 17 टॉपिक हैं, इसी में से हम सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ से चलेगी? पुणे, जींद, दिल्ली, अहमदाबाद। क्या होगा उत्तर? बी जींद। ठीक है, हरियाणा में है जींद। जींद कहाँ पर है? हरियाणा में है। ये वहीं से चलेगी, अभी चली नहीं है, चलेगी मतलब तैयार हो ही जाएगी। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी वर्तमान में फिलहाल के वक्त जर्मनी में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलती है, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनली जर्मनी में भी चल गई है और ये भारत में शुरू हो जाएगी। चलें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MRA पर हस्ताक्षर किया है? MRA का फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। ठीक है, USA, UAE, UK, रसिया। बी UAE। ठीक है, अब डिटेल थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए USA के साथ ऑलरेडी जो है USA के साथ पहले ही हो चुका है। कब? ये आपका हो चुका है सितंबर 2021 में ही MRA हो चुका है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। ठीक है, और अभी फिलहाल UAE के साथ हुआ है। बैकग्राउंड क्या है कि UAE और भारत इंडिया के बीच में CEPA कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये हुआ था 18 फरवरी 2022 को और उसी के तहत ये स्टेप लिया जा रहा है। ठीक है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्टार्टअप जीनियम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में विश्व में प्रथम स्थान पर USA का सिलिकॉन वैली आया है, लेकिन भारत का कौन सा शहर टॉप 20 में शामिल है? मतलब कि भारत का पहला शहर और विश्व में टॉप 20 में शामिल है, कौन सा शहर है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। क्या होगा उत्तर? से बेंगलुरु। देखिए सिलिकॉन वैली वर्ल्ड में टॉप पे आया है और भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो भारत में ये टॉप आया है भारत में, और विश्व में इसका कितना? 20वां नंबर पे है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, देख लीजिए। ठीक है, और सेकेंड पे कौन आया है? सेकेंड भी आप याद रख सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लंदन आया है, लंदन UK का। ठीक है, ये सेकेंड पे आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने निश्चित पेंशन प्लान लॉन्च किया? LIC, गोवा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी। उत्तर क्या होगा? डी आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, अभी आदित्य बिरला के MD और CEO कौन है? कमलेश राव। स्थापना कब हुआ था इस इंश्योरेंस कंपनी का? 2000 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो अभी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंस CMO लिस्ट 2023 में भारत के कौन टॉप 10 में शामिल रहे? क्या होगा उत्तर? बी हरीश भट्टी, टाटा कंपनी के CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बोला जाता है, मतलब अपने बिजनेस को ये टॉप पे ले गए। कौन कौन कितनी इन्फ्लुएंस अपने बिजनेस को करने में रहे हैं? अभी फर्स्ट में वॉलमार्ट के विलियम व्हाइट है, इन्होंने आया है टॉप 1 में। ठीक है, और ये अस्मिता दुबे जो हैं ये इंडियन ओरिजिन की ही हैं, 21 पे भी आई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग, मतलब आजकल वर्षा तो होने के देख रहे हैं, कहाँ वर्षा हो रही है हमारे यहाँ तो, इधर झारखंड बिहार उड़ीसा ये सब सूखा ही अभी पड़ा है, कहीं कई क्षेत्रों में हो रहा है बहुत जगह, लेकिन इधर सूखा ही पड़ा है। तो क्लाउड सीडिंग ऐसे क्षेत्रों के लिए जैसे ये किया जाता है जहाँ पे बारिश की समस्या होती है, जरूरत होता है, आपातकालीन वगैरह में किया जाता है। क्या होगा उत्तर? IIT कानपुर या सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये स्पेशल देखिए UP में क्या है ना, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक सूखा एरिया है, वैसे भी जानते हैं बुंदेलखंड, तो उस क्षेत्र में ये काम आएगा। ठीक है, हाल ही में किसने भारत इन पेरिस अभियान लॉन्च किया है? भारत इन पेरिस अभी अभियान किसने लॉन्च किया है? उत्तर क्या होगा? डी अनुराग ठाकुर। देखिए क्यों लॉन्च किया गया है, पेरिस में ही ओलंपिक 2024 होना है, 2024 और उसी की तैयारी के लिए ये शुरू किया गया भारत इन पेरिस, मतलब उसमें भारतीय खिलाड़ियों को सफलता मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस तरह की योजनाएं शुरू की जाती है, उसी लिए शुरू किया गया है। ठीक है, 2014 में देखिए इनिशिएटिव लिया गया है, 2024 के लिए इनिशिएटिव लिया गया इंडिया की तरफ से। ये क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने IT डिपार्टमेंट का नाम बदलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर दिया? उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा। क्या होगा उत्तर? सी हिमाचल प्रदेश। IT डिपार्टमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया उन्होंने? डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर दिया है, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सब डाटा एनालिसिस में अब इसका बोर्ड रूप में यूज किया जा रहा है सीधा सीधे। हाल ही में किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द नाइल उस देश की सर्वोच्च सम्मान है, तो किस देश ने? ये मिस्र ने। अभी USA के बाद USA में भी जानते हैं योग दिवस पे प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? योग दिवस पे USA गए थे और वहाँ से फिर सीधे मिस्र चले गए, उसी दौरान इन्हें ये ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस सेशन से बेनिफिट हो गया तो आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।